বন্ধ করে জল दिन रात बारिश में रख दो लेकिन आपके व्हीकल में पानी नहीं जाएगा, तो कैसे करना है, क्या करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो आपको पता होगा कि बारिश की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, स्पेशली जो बाइक चलाते हैं उनके लिए, क्योंकि बारिश की वजह से पेट्रोल टैंक के अंदर पानी जाता है और पानी जाने की वजह से आपका बाइक को स्टार्ट होने में या फिर चलाने में प्रॉब्लम होता है। फिर आपको टैंक को क्लीन करना पड़ता है, पूरा पानी को रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद व्हीकल को चला सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें आपको सिर्फ 10 रुपये खर्चा करना है और 10 रुपये खर्चा करने के बाद आपका व्हीकल दिन रात बारिश में रख दो लेकिन आपके व्हीकल में पानी नहीं जाएगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं डिटेल्स में आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको प्रैक्टिकल करके क्या करना है तो दिखाऊंगा। यह पल्सर 150 है और अगर आपके पास दूसरा बाइक है उसमें भी आप कर सकते हो। उसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक टेफ्लॉन टेप चाहिए जो कि हमें यूज़ करना है। टेफ्लॉन टेप इस तरह का होता है जो कि वाइट कलर का टेप होता है, और हमें एक चाहिए 4 mm का एलन की जो कि इस नट बोल्ट को निकालने के लिए, और टैंक के ऊपर का जहाँ से हम पेट्रोल भरते हैं उसके नट बोल्ट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और फिर हम एलन की के ज़रिए इस पूरे बोल्ट को निकालेंगे। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बोल्ट्स हैं, जैसे मुझे लगता है 6-7-8 बोल्ट होगा, तो उसको निकालने के थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इसके अंदर एक ड्रेन होल होता है जिसमें से एक्चुअली जो बरसात का पानी गिरता है वह पानी पास होता है और नीचे टैंक के नीचे से गिर जाता है। तो वो होल कभी कभी चोकअप हो जाता है, तो वो होल को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बोल्ट को। थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ट होने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसको खोलने के लिए, तो निकालते ही मैं आपको इसके अंदर का क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा, और कहाँ ड्रेन होल होता है वो भी दिखाऊंगा, कैसे क्लीन करना है, किससे क्लीन करना है, सब आपको दिखाने वाला हूँ ये निकालने के बाद। तब तक थोड़ा सा आप वेट करें, लगे तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो का। ये निकाल दिया है वीडियो में से, जो ये निकाल दिया, ये देखिए इसमें से पूरा बोल्ट है। बोल्ट को संभाल कर रखना होगा और बोल्ट को संभालने के बाद आपको ध्यान से काम करना है, ये बोल्ट को संभाल कर रख देना है। और यहाँ पे ये जो देखिए ये वाटर ड्रेन होल, यहाँ से बरसात का जो पानी गिरता है वो यहाँ से पानी नीचे चला जाता है, टैंक के अंदर नहीं, वो नीचे डायरेक्ट ज़मीन पर चला जाता है। और ये है एक, हमने फर लिया, मुर्गी का भी ले सकते, ये कबूतर का है, तो इसके ज़रिए आप क्लीन कर सकते हैं या फिर दूसरा भी किसी रॉड या फिर वायर का भी यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद हमें इसे फेंक देना है, निकालना मुश्किल होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अभी हमने वो अटैचमेंट निकाल दिया, अभी देखिए ये जो कुछ सील है, मतलब वाइप रबर का है, रबर का पार्ट है ये, इसके अंदर जो गैप है वो कम हो गया है या फिर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है, इसलिए उस गैप को बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो थिकनेस है, ये रबर का जो थिकनेस है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इस बढ़ाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, वो टेफ्लॉन टेप लेंगे और उस गैप है उस गैप को बढ़ाने के लिए उसके अंदर से हम इस टेफ्लॉन टेप को अच्छे से सिस्टमेटिकली लगा देंगे। देखिए किस तरह से हम लगाते हैं, इसको लिया और टेफ्लॉन टेप को अच्छे से आराम से लगा देंगे करना है, और वो गैप भरते, जब तक भरता नहीं है तब तक आपको ये पूरा लगाना है। गैप भर जाएगा तो आपको इस टेफ्लॉन टेप को कट करना है, पूरा गैप को बढ़ाना है ताकि वो जो गैप है वो बढ़ जाए, ताकि वहाँ से पानी एंट्री ना कर पाए।
आराम से करना होगा। अभी देखिए भरते आ रहा है, भर गया है, तो अभी हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद फिर इसको अच्छे से फिर अटैच करके फिर लगा देंगे। ये देखिए गैप किस तरह से बढ़ गया है। अभी पहले गैप कम था तो वहाँ से वाटर एंट्री का चांसेस बढ़ रहा था, चांसेस वाटर एंट्री वहाँ से बढ़ रहा था। अभी कैसा गैप बढ़ गया तो नहीं होगा। अभी हम इसको ये देखिए किस तरह से गैप बढ़ गया है। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, कोई टेंशन नहीं, आराम से वो लग भी जाएगा, टूटने अभी दांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो देखिए इसके अंदर स्प्रिंग रहता है तो आपको ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर ये गैप बढ़ना जरूरी है। तो अभी गैप बढ़ गया है तो अभी हम अटैचमेंट को पूरा जैसा था वैसा अटैचमेंट करके लगाएंगे और अटैचमेंट करने के बाद फिर हम टैंक में इसको फिट कर लेंगे। ये देखिए पूरा एकदम जैसा नया हो गया। अभी इस अटैचमेंट को कैसे लगाएंगे बराबर से देखना है और जैसा था वैसा ही लगाना है इसको। स्क्रू ड्राइवर से वही बोल्ट वहाँ पे लगाना है और फिर लगाने के बाद इसका जब पूरा लगा के हो जाएगा तब हम इसको टेस्ट करेंगे, पानी डाल के टेस्ट करेंगे। ये मेथड एकदम ज़बरदस्त मेथड है, इसमें आप बिल्कुल पानी का रिस्क भूल जाओगे, कुछ टेंशन ही नहीं होगा। साल भर सीज़न भर नहीं, साल भर आप बिंदास रह सकते हो। एक बार इतना कर दो तो हो गया। पूरा बोर्ड्स को लगा देते एक बार आराम से, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लगा के ट्रायल लेते कि बराबर लग रहा है कि नहीं ढक्कन। ढक्कन बराबर लग गया, कोई टेंशन नहीं है। अभी फाइनल टाइट कर देते हैं, लूज ना रह जाए कैप। ये पूरा ढक्कन लगते ही हम पानी डाल के टेस्ट करेंगे कि पानी अंदर एंट्री करता है कि नहीं, और अगर पानी एंट्री नहीं करता है तो मान लो आपका काम सक्सेस। चलो फिर अभी देखते हैं पानी डाल के एक बार खोल के देखते हैं कि बराबर से ढक्कन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सब सही है। ये गैप देखिए कितना भी बढ़ गया, पहले नहीं था इतना गैप, अभी उतना बढ़ गया। तो डेफिनेटली आपका ये गैप तो बढ़ चुका है, मतलब आपका ये प्रॉपरली लगेगा इस सीट के ऊपर और पानी अंदर नहीं जाएगा। तो अभी ओके हो गया, लग गया। अभी हम पानी लेंगे और पानी को डालेंगे टैंक के ऊपर और बाद में चेक करेंगे कि पानी अंदर जाता है कि नहीं जाता है। अभी बारिश का इतना ज़ोर से पानी तो नहीं आता है, तो हम जितना ज़्यादा पानी डालेंगे और बाद में हम चेक करेंगे पानी अंदर जाता है कि नहीं। चलो अभी इसको हम खोलते हैं और खोल के देखेंगे कि पानी गया कि नहीं। चलो अभी खोलेंगे इसको। ये देखिए पूरा साइड से पूरा पानी ड्रेन होल से चला गया, लेकिन यहाँ पे अंदर पानी गया नहीं, पूरा ड्राई है। तो बन गया अपना काम। अभी हम बिंदास पानी में कहीं पे भी रख दे गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, पानी जाएगा ही नहीं। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।